हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में प्रेशर द गैसेस एग्जाम के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था, मतलब ये प्रेशर गैसेस, इसके लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में, वो हमारा ये था कि टी इज इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी इन टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था। आज इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस एक्सप्रेशन में चेंज करके देखेंगे कि आया कि वाकई में हमारा जो प्रेशर है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या जो हमारा प्रेशर है आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर भी वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड है। अब इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो प्रूव करना है कि जो बॉयल्स लॉ है वो ठीक है, यानी कि वो वैलिड लॉ है। बॉयल्स लॉ में जैसे कि बॉयल्स लॉ के बारे में आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि लेट्स सपोज कि अगर ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, हम तीन केसेस ले लेते हैं। ये हमारे पास पहला केस है कि इसके अंदर जो है गैस है, इसके अंदर भी गैस है और इसके अंदर भी जो है वो गैस है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास गैस की इतना गैस का वॉल्यूम है, ये सारी की सारी जो है वो गैस की फिलिंग हुई हुई है, ये इसका वॉल्यूम है, इसे कह दीजिए कि ये 1 dm³ इसका वॉल्यूम है। इसके ऊपर जो है आप लोगों ने 1 atmosphere प्रेशर अप्लाई किया है, जो प्रेशर है वो 1 atmosphere यानी कि 1 atmosphere प्रेशर है और इसका वॉल्यूम 1 dm³ था। अब लेट्स सपोज कि आपने इसके ऊपर जो है वो 2 weights रख दिए, 2 atmosphere प्रेशर हो गया इसका, ये इसका प्रेशर हो गया और इसका जो वॉल्यूम है वो 1/2 dm³ हो गया, यानी कि पहले की निस्बत थोड़ा आधा हो गया, इतना इसका वॉल्यूम हो गया पहले की निस्बत वेट अप्लाई करने से। और तीसरी सिचुएशन ऐसे आ जाए कि यहाँ पर आप 3 weights रखते हैं और इस तरह से रखें कि इसका जो प्रेशर है वो आपकी बार 3 atmosphere प्रेशर हो जाए और इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 जो है वो dm³ हो जाए, यानी कि 1/3 dm³ है। तो देखा जाए तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। वैसे भी दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आप, जैसे कि गैसेस हैं, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाता है। गैसेस का वॉल्यूम कभी भी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, बल्कि जो है वो कंप्रेस हो सकता है या वो रिलैक्स कर सकता है, यानी कि इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है, इस वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस कर जाता है। अब इस सिचुएशन में चूँकि हम लोगों ने वॉल्यूम जो अपना प्रेशर है वो इंक्रीज किया है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कम होता चला गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली रिलेटेड है हमारे प्रेशर के साथ। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P = K/ हमारा वॉल्यूम। और दूसरी बात ये कि ये तो हमारा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन बॉयल्स लॉ ने ये भी कहा था, जैसे कि बॉयल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए 25 degrees Celsius का टेम्परेचर इसे कॉन्स्टेंट कह लिया था। लेट्स सपोज हम भी ये फर्ज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है टेम्परेचर 25 degrees Celsius रखा है और इसे कॉन्स्टेंट कह दिया। अब ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। अगर हम अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि जो हम लोगों ने गैसेस के लिए एक्सप्रेशन निकाला है वो हमारा P = 2/3 n/V और यहाँ पर हमारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv² आया था। अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर पीवी आ जाएगा, PV = 2/3 n × इस चीज़ को मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ इस तरीके से। अब इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2/3 n, इसे मैं कॉन्स्टेंट लेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे कॉन्स्टेंट लेट कर लूँगी तो यहाँ पर PV = ये कॉन्स्टेंट इंटू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि जो एवरेज होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल्स होती है हमारे टेम्परेचर के, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे टेम्परेचर के इक्वल है। और चूंकि टेम्परेचर ही हमारा कॉन्स्टेंट है तो PV = कम्प्लीटली जो है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है कि P डायरेक्टली रिलेटेड है 1/वॉल्यूम के। तो इस तरह से हम दोबारा से बॉयल्स लॉ को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला है उससे हम लोग बॉयल्स लॉ को डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम लोगों को चार फ्लो को डिटेक्ट करना हो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ये हमारा चार फ्लो, तो चार फ्लो क्या कहता है? चार फ्लो ये कहता था कि हमारा जो किसी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लेट्स सपोज ये इसका वॉल्यूम है गैस का, और इसके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर दें, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करें, तो जब हम लोग तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि लेट्स सपोज आप इसे नीचे से हीट अप कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम जो है एक्सपैंड करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे आपका जो वॉल्यूम है इसी तरह से कंप्रेस होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे वॉल्यूम से, उस वक्त जब हम लोग प्रेशर को जो है वो कॉन्स्टेंट लेट कर लें, यानी कि एक पैरामीटर को कॉन्स्टेंट बना लिया जाए, वो पैरामीटर प्रेशर है जिसे हम लोगों ने कॉन्स्टेंट लेट कर लिया। अब अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस्तेमाल करते हुए ही चार फ्लो को प्रूव करें, तो उसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो प्रेशर है वो 2/3 n ओवर v इनटू काइनेटिक एनर्जी है, जो कि 1/2 m v स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाऊँ इसी तरह से कर लूँ कि ये पी वी है और ये हमारे पास 2/3 और 2/3 n है और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी को जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेम्परेचर लेते हैं, तो अगर मैं इसको टेम्परेचर की इक्वल कर लूँ और 2/3 इंटू एन इस तरह से लिख लूँ और ये पी वी, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसे मुझे कह देना चाहिए कि ये पी वी, बल्कि यहाँ से वी को भी यहाँ पर ही ले देना चाहिए, या तो इसे मुझे को भी इस तरह से करना चाहिए कि हमारा जो प्रेशर है वो भी तो कॉन्स्टेंट है, तो क्यों ना प्रेशर को भी यहाँ लिख लिया जाए, तो भी पूरी की पूरी चीज़ जो है वो कांस्टेंट आ जाती है। कांस्टेंट इज इक्वल टू वी, यानी कि हमारा जो प्रेशर है वो अब डायरेक्टली रिलेटेड हो गया हमारा जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ, जब हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो गैस की गैस का एक्सप्रेशन निकाला है प्रेशर ऑफ द गैसेस के लिए, वो हमारा बॉयल्स लॉ के लिए भी वैलिड है और हमारा जो है वो चार्ल्स लॉ के लिए भी वैलिड है। हम इन दोनों एक्सप्रेशन से जो है वो निकाल सकते हैं बॉयल्स लॉ को भी और हम चार्ल्स लॉ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें टेम्परेचर को ये भी प्रूव करना हो कि जो हमारा टेम्परेचर है वो, अगर हमें कोई कहे कि प्रूव करके दिखाओ कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर हमें इसे प्रूव करके दिखाना हो तो इसे भी हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसके लिए हम लोगों को एक रेफरेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको याद होगा कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ गैसेस जो कि आपने निकाला था बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए और एवोगैड्रोस नंबर को इस्तेमाल करते हुए कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल होता है, मीन्स ये कि इस तरह के रिलेशन में आपने ये बताया था कि आपका जो है वॉल्यूम वो इनवर्सली रिलेटेड है आपके, जिसमें आपने बताया था कि आपका जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली रिलेटेड है आपके प्रेशर के साथ और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ, जबकि आपका यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। और एक तीसरी सिचुएशन आपके पास ये आई थी, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था जिसमें आपके पास सी एन ओवर पी आया था, तो इसी आप लोगों ने पी इज इक्वल टू आर टी एन ओवर पी निकाला था, तो इस तरह से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आपके पास एक रिलेशनशिप निकल आया था। तो इसी रिलेशनशिप को हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ये जो एन है इस एन के बारे में आप जानते हैं कि ये जो एन होता है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है, यानी कि कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो कंटेनर है, जो कंटेनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, ये हमारी गैस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की गैस हम लोगों ने इस्तेमाल की है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो इस तरह से हमारा जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल निकल आता है। और अगर इस चीज़ को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ, इसे लेट सपोज मैं ए कह देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन ओवर कैपिटल एन ए और यहाँ पर आर इंटू टी आ जाता है। अब अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज इस तरीके से किया जाए, ये हमारा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जो आर के इक्वल है,
रिलेशनल कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर जो कि इक्वल है आर बाय एन ए. तो इस जो चीज़ है इसे एक बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट ने बताया था जिसे हम लोग के कह सकते हैं, और ये जो चीज़ है ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाती है. तो इस तरह से अब हमारे जो गैसेस का रिलेशनशिप निकला है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो प्रेशर निकला है गैसेस के लिए वो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है. पहले तो हमें ये वाला प्रेशर को डिडक्ट करना है ना जो हम लोगों ने गैसेस के लिए बनाया है, यानी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को जो कि एक जनरल एक्सप्रेशन है उसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पी एन डिवाइडेड बाई वी के इन टू टी, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है. अब इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी काइनेटिक एनर्जी से. अगर मैं यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन निकालूँ प्रेशर ऑफ गैसेस वाला, प्रेशर ऑफ गैसेस जो कि इक्वल्स है पी इज इक्वल टू हमारे पास टू बाई थ्री एन ओवर वी इन टू काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू एम वी स्क्वायर. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लूँ, यानी कि इस तरह से कहूँ कि ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, अगर ये भी प्रेशर के लिए है ये भी प्रेशर के लिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रेशर की हैं, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकती हूँ जो कि एन के टी ओवर वी इज इक्वल टू टू बाई थ्री एन ओवर वी इंटू वन बाई टू एम वी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है. तो इस तरीके से इस एन से जो है ये वाला एन कैंसिल आउट हो जाता है, इस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है, और मेरे पास जो टी का एक्सप्रेशन निकलेगा अगर सिर्फ टी निकालूँ तो जो टी है वो टू बाई थ्री इंटू के और यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है. अब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन से भी काफ़ी हद तक वाजह है कि टू बाई थ्री के ये भी तो एक चीज़ कॉन्स्टेंट है ना, चूँकि के जो है वो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है. अगर मैं इस चीज़ को कॉन्स्टेंट लेट कर लूँ तो मेरा टेम्परेचर तो मेरे पास प्रूव हो जाता है कि वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड है. लेकिन अगर मैं इसे खोल के भी लिखूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो टेम्परेचर है वो इक्वल्स टू टू बाई थ्री, और अब की बार के नीचे आ गया और हमें जो मालूम है कि के इज इक्वल टू आर बाय एन ए है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो के उलट जाता है और एन ए ओवर आर इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास अब भी कांस्टेंट ही रही है. अगर हम के की वैल्यू इंसर्ट कर दें यानी कि के को पुट भी कर दें तब भी ये वाली चीज़ जो है हमारे पास कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है कि ये हमने प्रूव कर दिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी इस्तेमाल करके और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ गैसेस को भी इस्तेमाल करके, जो प्रेशर का जनरल एक्सप्रेशन है उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने बता दिया है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है. यानी कि आपको मालूम है कि किसी भी कंटेनर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनके अपने अपने मैसेज भी होते हैं और अपनी अपनी वेलोसिटी भी, तो वो जब मूवमेंट शो करते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो एक एटम की मूवमेंट दूसरे एटम की मूवमेंट और सब एटम्स की मूवमेंट को जो प्लस करते हैं यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी को, तो उनकी जितनी काइनेटिक ज़्यादा होगी कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो टकराएंगे हमारी वॉल से और जितनी तेज़ी से वो बैकवर्ड मूव करेंगे और ऊपर नीचे जिस तरह से भी वो मूव करेंगे उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से इंक्रीज करती चली जाएगी इस तरह से उस कंटेनर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी उसी लिहाज से इंक्रीज करता चला जाएगा. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी से. यही से हम इस तरह से भी कह देते हैं कि किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो इस तरह से हम लोगों ने गैसेस के लिए जो एक एक्सप्रेशन निकाला था गैसेस के प्रेशर के लिए उसे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को भी डिडक्ट किया कि बॉयल्स लॉ किस तरह से प्रूव किया जा सकता है इसे इस्तेमाल करते हुए. हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को भी बताया और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो किस तरह से हमारे काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड है.